नमस्कार जनप्रभा सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं एमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इलेक्शन कमीशन ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का किया ऐलान। 18 जुलाई को होगी वोटिंग, 21 जुलाई को आएगा परिणाम। 15 जून को जारी की जाएगी राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना। 29 जून को होगी नामांकन करने की आखिरी तारीख। भड़काऊ भाषण मामले में दिल्ली में ओवैसी पर भी मामला दर्ज। यति नरसिम्हानंद समेत अब तक 32 के खिलाफ हुई FIR। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की ईडी कस्टडी बढ़ी। 13 जून तक हिरासत में भेजा, कोर्ट से निकलते ही बिगड़ी तबीयत। पीएम मोदी ने बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का किया उद्घाटन। कहा जल्द ही हम इस क्षेत्र में टॉप 10 देशों में होंगे शामिल। पीएम बोले 5000 से ज्यादा स्टार्टअप बायोटेक सेक्टर से जुड़े। 60 विभिन्न उद्योगों में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर हुई 17000। भारत की जैव अर्थव्यवस्था पिछले 8 वर्षों में 8 गुना बढ़ी। पीएम बोले $10 अरब से $80 अरब तक पहुंचा देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम को सौंपी 12 तटरक्षक नौकाएं। भारत द्वारा दी गई $10 करोड़ की सहायता से हुआ निर्माण। 11 जून को पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दादरा नगर हवेली होंगे शामिल। पैगंबर विवाद पर ईरान के विदेश मंत्री को डोभाल ने दिलाया भरोसा। का मामले के दोषियों को दिया जाएगा कड़ा सबक। टेरर फंडिंग करने के मामले में केंद्र सरकार ने तेज की कार्रवाई। चेन्नई समेत 3 जगहों पर NIA की ताबड़तोड़ छापेमारी। असम में गुवाहाटी के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश से जल जमाव। मेघालय में भूस्खलन से एक ही परिवार के 3 लोगों की गई जान। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने यूजर्स को जारी की चेतावनी। का क्रोम मोजिला की खामियां हैकर्स तक पहुंचा सकती है निजी डाटा। RBI के बाद ICICI ने ग्राहकों को दिया झटका। बैंक ने ब्याज दरों में किया 0.50% का इजाफा। मूसेवाला कांड में पुलिस ने बठिंडा से 2 आरोपियों को दबोचा। हमलावरों को हत्या के लिए मुहैया करवाए थे हथियार। मूसेवाला हत्याकांड में पुणे पुलिस ने शूटर सौरभ को किया गिरफ्तार। पूछताछ के लिए पुणे पहुंची दिल्ली, महाराष्ट्र और पंजाब की टीम। पाकिस्तान के कराची में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों में तोड़फोड़। घटना के बाद दहशत में हिंदू समुदाय के लोग, पुलिस बल तैनात। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सांसद नवनीत राणा को दी चुनौती। का हिम्मत है तो कश्मीर जाकर हनुमान चालीसा पढ़कर दिखाएं। निर्दलीय सांसद राणा ने सीएम ठाकरे की चुनौती को किया स्वीकार। का कश्मीर भारत का अंग, मैं जरूर करूंगी हनुमान चालीसा पाठ। झारखंड के गुमला में दुष्कर्म के आरोपियों को ग्रामीणों ने जिंदा फूंका। एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। पुलिस ने शुरू की जांच। कुतुब मीनार परिसर में पूजा करने की अपील पर टला फैसला। मामले में अब 24 अगस्त को सुनवाई करेगा साकेत कोर्ट। सुरक्षा बलों ने कुख्यात नक्सल एरिया कमांडर मतलू तुरी को किया ढेर। नक्सली पर बिहार और झारखंड में दर्ज थे 50 से ज्यादा मामले। यूपी के गोंडा में 3 मुस्लिम फकीरों से अभद्रता का वीडियो वायरल। युवक ने जबरन जय श्री राम के लगवाए नारे, करवाई उठक बैठक। यूपी सरकार ने मंकी पॉक्स वायरस को लेकर जारी किया अलर्ट। सभी मेडिकल कॉलेजों में 10 बेड का बाड़ बनाने का निर्देश। कराची में अपार्टमेंट में मृत मिले पाकिस्तानी सांसद आमिर लियाकत। दूसरी पत्नी से तलाक और तीसरी शादी को लेकर हो रही थी चर्चा। अलकायदा की धमकी पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। का देश में कुछ होता है तो उसके लिए बीजेपी होगी जिम्मेदार। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव मामले में गठित जांच आयोग का फैसला। भाजपा समेत 6 पार्टियों के प्रमुखों को समन जारी करने का निर्देश। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की ममता बनर्जी ने की निंदा। बोली आरोपी भाजपा नेताओं को गिरफ्तार कर सजा दिलाए सरकार। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से गंगा स्नान कर लौट रहे 2 लोगों की गई जान। बिजनौर के मन्नाबली में हुई घटना, 2 बच्चों समेत 7 लोग घायल। भाजपा कार्यालय जा रहे पंकजा मुंडे के कई समर्थक गिरफ्तार। विधान परिषद का टिकट न मिलने पर जताना चाह रहे थे विरोध। चीफ जस्टिस रमणा ने तिरुपति की 2 विशेष अदालतों का किया उद्घाटन। आंध्र प्रदेश में लाल चंदन की तस्करी के मामलों की सुनवाई होगी तेज। पेट्रोलियम नियामक में HEG पर लगाया जुर्माना। महाराष्ट्र में गैस पाइपलाइन बिछाने में देरी को लेकर की कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को CPEC को लेकर दी नसीहत। का 300 अरब रुपए के बिजली सौदों पर नए सिरे से करें बातचीत। कोल इंडिया ने 24 लाख टन कोयला आयात की जारी की पहली निविदा। ईंधन की कमी से जूझ रहे बिजली संयंत्रों को मिलेगी राहत। रणदीप सुरजेवाला ने MSP बढ़ाने को बताया किसानों के साथ धोखा। बोले लागत बढ़ाकर किसानों की आमदनी को सरकार ने कर दिया आधा। सुप्रीम कोर्ट ने दादा दादी को सौंपा अनाथ लड़के का संरक्षण। का दादा दादी अपने पोते पोतियों की बेहतर करते हैं देखभाल। स्मृति ईरानी ने अमेठी की छात्रा से किए वादे को किया पूरा। गाजे बाजे के साथ नीतू मौर्या को इसरो के लिए किया रवाना। 13 जून को होगा ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव। ISN पात्रों के इस्तीफा देने के बाद खाली पड़ा था पद। चिदंबरम ने पर्यावरण रिपोर्ट को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले सरकार समझे कि भाजपा संघ की धुन पर नहीं नाचेगी दुनिया।
राज्यसभा चुनाव को लेकर कुमार स्वामी ने कांग्रेस से मांगा वोट। कांग्रेस ने भी जेडीएस विधायकों से की इच्छा अनुसार वोट करने की अपील। 428 अंक के उछाल के साथ 55,320 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। 121 अंक चढ़कर 16,478 के स्तर पर पहुंचा निफ्टी। भाजपा के विधान परिषद प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। 13 प्रत्याशियों के नामांकन से चुनाव के निर्विरोध होने की पूरी संभावना। कृष्णा श्रीनिवासन को IMF ने APD का नियुक्त किया निदेशक। चंगयोंग री की जगह अनिवासी भारतीय 22 जून से संभालेंगी कार्यभार। जल्दी डिजिटल कर्ज देने वाले मंचों के लिए आएगा कानून। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की घोषणा। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले, मोदी सरकार ने ना तो देश से वफादारी निभाई और ना ही जनता से। जम्मू कश्मीर के उपनिरीक्षकों की भर्ती की जांच के आदेश। धोखाधड़ी के आरोपों के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की कार्रवाई। 15 जून तक आ सकता है यूपी में 10वीं 12वीं का रिजल्ट। 10 लाख छात्र छात्राओं का अगले सप्ताह खत्म होगा इंतजार। उत्तराखंड के टिहरी में खाई में गिरा यूटिलिटी वाहन। 5 लोगों की गई जान, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हिमाचल को मिलेंगे 400 करोड़। केंद्र ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत दी मंजूरी। ICC ने टेस्ट क्रिकेट के बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग की जारी। ऑस्ट्रेलिया के मानरस लाबुसाने का नंबर 1 पर कब्जा बरकरार। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।